तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के YouTube को ओपन कर लेते हैं। YouTube को ओपन करने के बाद हमारे मोबाइल के कोने में हमारा आइकॉन है ईमेल आईडी का, जिसमें आपका फ़ोटो प्रोफाइल पिक लगा रहता है। तो हम प्रोफाइल पिक को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, तो हम सेटिंग को क्लिक कर लेते हैं। और सेटिंग को क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है जनरल का, तो हम जनरल को क्लिक करते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया सबसे ऊपर में रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक। इससे क्या होता है, जैसे हम कभी कभी हमारे पास सीमित समय होता है और हम उतना ही देर YouTube चलाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कब टाइम आगे निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम जितना भी देर समय को चाहते हैं कि हम 10 मिनट वीडियो देखें या 20 मिनट ही वीडियो देखें और उसके बाद हमें पता चल जाए, तो इस तरह से आप यहाँ पे समय सेट कर देंगे कि आप कितना देर, आप जैसे 20 मिनट अगर आपको देखना है और 20 मिनट बाद आपको YouTube नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका 20 मिनट का टाइम हो गया, या फिर 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम देना चाहते हैं। तो चलिए हम 20 मिनट ले लेते हैं और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद क्या होगा, जब हम YouTube देखते रहेंगे और देखते देखते जब 20 मिनट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन दे देगा कि मेरा 20 मिनट हो गया, तो इससे आपके टाइम मिस नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों रिमाइंड मी व्हेन इट्स बेड टाइम। क्या होता है कि आपको रात के सोने का टाइम होता है और आपको पता नहीं चलता है कितना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और डेली का आप एक टाइम फिक्स करना चाहते हैं कि इतने टाइम में हमें पता चल जाए कि इतना टाइम हो गया। मोबाइल चलाते चलाते टाइमों का पता नहीं रहता और बहुत आगे निकल जाता है टाइम, तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको आप अलाउ कर देंगे और इस पर आप एक टाइम फिक्स कर देंगे कि आप रात को कितने बजे तक आपको वो चाहिए कि आप कितने बजे तक मोबाइल चलाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे टाइम पे क्लिक करेंगे, टाइम पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी आपको टाइम देना, जैसे अभी 10:30 है, 10:45 है, जो भी आपको टाइम देना है दे सकते हैं, केवल मिनट बढ़ाना जो भी देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। तो मैंने 10:30 ले लिया और डन कर दिया। और फिर इंड टाइम, मतलब कितने देर तक आप नहीं चलाना चाहते हैं इसे, कितने देर तक, तो इसमें आप इंड टाइम पे भी अपना टाइम दे सकते हैं। टच करेंगे 4:30, 5:00, 5:00 जो भी टाइम देना चाहते हैं और डन कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये हमें टाइम याद दिलाता रहेगा कि हमारा ये टाइम दिया हुआ है और इतने टाइम तक आप YouTube चलाएंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन शो करता रहेगा। तो इस तरह से अगला ट्रिक है डार्क थीम का। तो जैसे आपको पता ही है डार्क थीम बैकग्राउंड जिसमें क्या होता है वाइट हो जाता है अगर डार्क थीम का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो अगर आप रात को ज़्यादा देर तक यूट्यूब चलाएंगे तो आपको आँख पे चमक पड़ेगा, इससे आँख में दर्द भी होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक हम यूट्यूब चलाएं और आँखों पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसके लिए आप ये डार्क थीम के ऑप्शन को अलाउ कर सकते हैं। इसके डार्क थीम के ऑप्शन को जब आप अलाउ कर देंगे तो इसका बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा और जब आप वीडियो देखेंगे तो केवल वीडियो ही दिखेगा और बाकी जो स्पेस है वो आपको डार्क दिखेगा, इससे आँखों पे ज़्यादा चमक नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगले ट्रिक में चलते हैं। अगला ट्रिक है म्यूटेड प्लेबैक इन फिट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका मोबाइल में, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम अलाउ ऑन रहेगा, ये ऑन रहने के बाद यूट्यूब में क्या होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ये ऑन रहेगा, जैसे वहाँ से हम वो फीडबैक को जैसे अलाउ कर दिए तो ये वीडियो हमारा स्क्रीन पे ऑटोमेटिक चलता रहता है, जो भी होम स्क्रीन पे वीडियो रहेगा वो ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा। और इससे क्या होगा, आपका नेट भी खपत होगा, ये सारे वीडियो चल रहे हैं देख लीजिए, इससे आपका नेट खपत होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक ना चले, आप चलता भी होगा तो शायद आपको पता नहीं होता होगा कि ये वीडियो क्यों चल रहा है, लेकिन आप इसको परमिशन दिए हैं तभी ये चल रहा है। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो इससे मेरा नेट का बचत होगा, तो इसके लिए हम बैक करेंगे सेम यूट्यूब पे जाएंगे और प्रोफाइल पिक को क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और जनरल पे जाएंगे और यहाँ पे म्यूटेड प्ले इन फिट्स जो है इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देने से क्या होगा, जो हमारा वीडियो चलता रहता है वो नहीं चलेगा, जब हम चलाएंगे तभी वो चलेगा।
नेक्स्ट ट्रिक है डबल टिप सीक। दोस्तों आप सभी यूट्यूब चलाते हैं तो आप सभी को तो ये ट्रिक पता है ही कि आप जब डबल दो बार टिप करते हैं तो फिर वो 10 सेकेंड आगे बढ़ जाता है, फिर दो बार आगे करते हैं तो वो 20 सेकेंड आगे बढ़ जाता है। तो क्या होता है, एक बार टिप करने से, दो बार टिप करने से 10 सेकेंड आगे बढ़ जाता है, 10 10 सेकेंड का होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 5 5 सेकेंड आगे बढ़े, या एक बार हम टिप करें तो 15 सेकेंड आगे बढ़े, 20 सेकेंड आगे बढ़े, तो आप जितना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको 10 सेकेंड ही रहने देना चाहते हैं तो 10 सेकेंड रहने देते हैं, आप 5 सेकेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है जूम टू फिल स्क्रीन। इससे क्या होता है कि जैसे हम YouTube पे वीडियो देख रहे होते हैं तो हम कोई भी वीडियो में मतलब बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ से उसे जूम करके देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी हम यहाँ पे परमिशन दे दिए हैं, इसको अलाउ कर दिए हैं जूम टू फिल स्क्रीन, और हम आपको यूट्यूब में चल के दिखाते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए हम YouTube को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद देखिए जैसे ही हम इसको जूम कर सकते हैं, देखिए ये जूम हो सकता है, जूम इन और जूम आउट आप जैसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, इस ऑप्शन में यही होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है, इससे पहले हम जो जूम टू फिल स्क्रीन है इसे हम ऑफ कर लेते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक है अपलोड्स का। तो अपलोड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनली व्हेन ऑन वाईफाई और ऑन एनी नेटवर्क है। जैसे आप कोई भी यूट्यूब वीडियो को देखते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं उसे डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क से डाउनलोड ना हो, केवल वाईफाई जब मिले मोबाइल को तभी वो वीडियो डाउनलोड हो, आप वाईफाई पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो ऑन एनी नेटवर्क पे ही रहेगा। तो हम अभी जो है वही रहने देते हैं ऑन एनी नेटवर्क पे और इसे डन कर देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, फिर जाके एक ट्रिक्स तो को तैयार करते हैं। तो आपका एक सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों लोकेशन का। लोकेशन में आपका इंडिया है और आप सभी इंडिया के ही हैं और हम भी इंडिया से हैं, तो इसको सेम रहने देते हैं। ये तो बाकी एक बार में आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है रेस्ट्रिक्ट मोड का। रेस्ट्रिक्ट मोड से क्या होता है, जैसे अगर आपका ये बंद रहेगा तो जब आप YouTube पे वीडियो खोलेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके ऑफ रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम YouTube पे आएंगे तो जब वहाँ पे ऑफ रहेगा तो ऐसे गंदी गंदी वीडियो हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे वीडियो आपके स्क्रीन पे आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फैमिली में, घर परिवार में, और आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पे ऐसे ऐसे वीडियो ना आए, क्योंकि मोबाइल तो कभी बच्चे के हाथ में रहता है, कभी फैमिली, कभी कहीं रहता है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये गंदी गंदी वीडियो स्क्रीन पे ना आए तो इसके लिए आप रेस्ट्रिक्ट मोड को ऑन करके रखने में ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम उसे ऑन कर लेते हैं। ये आपको दिखाने के लिए मैंने उस ऑप्शन को ऑफ किया था। अगले ट्रिक में चलते हैं। अगला ट्रिक है इनेबल स्टार्ट्स फॉर नीड। तो इसे जब हम अलाउ कर देंगे, अभी ये अलाउ ही है, तो हम दिखाते हैं कि इसके इनेबल स्टार्ट्स फॉर नट्स जो है NERDS, इसके अलाउ होने से हमारे यूट्यूब वीडियो पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हम इस वीडियो को चला रहे हैं, वीडियो को चलाते चलाते देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक कोने में थ्री डॉट है,
थ्री डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फॉर नट्स, जो वहाँ पे हमने अलाउ किया था। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि जो ये वीडियो है वो कौन से मोबाइल से बना है। देखिए ये पूरा मोबाइल का पूरा नाम फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है, ए टू जेड पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। तो अगर आप इसको देख लिए तो आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, इसको टच करके हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।